कर रहे हैं, अंदर पूरे घर ले लेते हैं। चल चल ए बल्ली आ जा। ये राजू है, सरदार राम सिंह। बाचा बाचा हां इधर भी है। ए ए पूरे है ना। हमारे एकता कॉलोनी में रोड बेंडिंग जो बहादुरपुर से आरंगा तक हो रहा है, उसके लिए मैं गरीब लोग कम से कम 30-40 से रोड पे डाल लिए लोग। गवर्नमेंट की लैंड है, वो लोग भी मालूम है, गवर्नमेंट हम भी बोल रहे गवर्नमेंट की लैंड है, पर अब एक लिखी दम आके ये पूरे जोगदा घना निकालना बहुत मुश्किल की बात है। जो मतलब गरीब लोग हैं, पूरे स्ट्री लोग हैं ये लोग, हम क्या बोल रहे हैं, घर घर निकालेंगे, गवर्नमेंट को सारा हम सपोर्ट करेंगे, पर पूरा जहाँ से अपन स्टार्ट कर रहे हैं बहादुरपुर से, वहाँ से स्टार्ट करने के बाद ये भी निकालो, मैं MLA मैं ठहर के निकाल के बोलूँ, मैं भी ऑडियो भी वादा करें। अब एक ही बोल चाह रहे हैं गरीबों को एक ही दम हटाना बोले तो बहुत मुश्किल होता है, उन लोगों को रहना बोले तो बहुत मुश्किल की बात है। अब हमारे कलेक्टर से बात करके, हमारे CM साहब से बात करके, लोग डबल बेडरूम देने का वायदा करके, ये रूमों का उठा के उनको कहीं भी जगह बता के उन लोगों को सपोर्ट करेंगे। बोलो हम एक ही बोल रहे हैं आप इस लोगों को, आप लोग जिसका ने जो गरीब है उसके ऊपर पढ़ना बहुत अच्छा नहीं है। वो अपन क्या करना, कुछ क्या करना, क्या पहले उनको नोटिस देना, नोटिस दे के घर नोटिस नहीं दिए कुछ भी नहीं, गरीबों के ऊपर पड़े तो उन लोगों को परेशान होते। उस हमारा गवर्नमेंट अपना डबल बेडरूम बना रहे हैं, डबल बेडरूम में पूरा जितने भी ज़्यादा लोग नहीं है, पर 20-25 लोग हैं, उन लोगों का अपन पूरा सपोर्ट करेंगे। तेलंगाना गवर्नमेंट में कभी भी ऐसे ऐसे पब्लिक को कभी नष्ट नहीं करेंगे, तो हम खुद भी करके बात करके वो तो पूरा बहादुरपुर से जो रोड रोड आ रहा है वो रोड को पूरा मुकम्मल कर लेंगे। यहाँ को आने के बाद हम लोग ठहर के जितने भी जो मैं निकाल के उनका गवर्नमेंट का भी सपोर्ट, लेबर का भी सपोर्ट करेंगे, क्या मतलब इसके यहाँ पूरे गरीब लोग हैं बहुत दिनों से होगा। अब ये अगर घर निकाले तो रोड पर बैठे, रोड पर बच्चे बच्चों के लिए काम करते हैं, बच्चे देख रहे हैं आप लोगों ने, आप लोगों भी सपोर्ट करना, गवर्नमेंट भी अच्छा सपोर्ट करें, उनको नहीं करने का सोचें। ओके सर।